मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं रेजिग्नेशन ड्यूरिंग सस्पेंशन, यानी कि जब किसी सरकारी कर्मचारी को, खास करके केंद्रीय कर्मचारी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाई को सस्पेंड किया जाता है, तो उसके बाद अगर वह कर्मचारी अपने पोस्ट से इस्तीफा देना चाहता है यानी कि रिजाइन करना चाहता है, तो क्या उस सरकारी कर्मचारी का इस्तीफा स्वीकार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, आज इसी टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूं। और मैं आपको CCS CCA रूल्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सर्कुलर है इससे संबंधित, मैं उससे अवगत कराने जा रहा हूँ ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। लेकिन एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूँ वीडियो को, और आपको इससे संबंधित जो नियम है या रूल्स है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उसे पढ़कर आप खुद भी समझ सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप मेरी बातों को गौर से सुनिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं इस्तीफा की। तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी सस्पेंशन के दौरान यानी कि निलंबन के दौरान अपना इस्तीफा यानी कि रेजिग्नेशन सबमिट करता है, तो उसके बाद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को यह डिसाइड करना पड़ता है कि उस सरकारी कर्मचारी का इस्तीफा स्वीकार करना क्या पब्लिक इंटरेस्ट में सही होगा या नहीं होगा। आप जानते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ भी किया जाता है, यानी कि जनहित को सबसे ऊपर रखा जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रेजेंट में रूल है, जो सर्कुलर है, तो उसमें क्या कहा जा रहा है उसको आप सुनिए, उसको आप स्क्रीन पर भी पढ़कर देखिए कि नॉर्मली एज गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन ओनली इन केसेज ऑफ ग्रेव डेलिंक्वेंसी, इट वुड नॉट बी करेक्ट टू एक्सेप्ट अ रेजिग्नेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। दोस्तों, आप इसको ध्यान दीजिए, कहता है कि किसी सरकारी कर्मचारी को इस सस्पेंड किया जाता है यानी कि निलंबित किया जाता है क्योंकि उस सरकारी कर्मचारी पर गंभीर आरोप होता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आरोप छोटा मोटा होता है यानी कि माइनर होता है, यानी कि वो साबित हो जाए, तो उस सरकारी कर्मचारी को माइनर पेनल्टी दिया जा सकता है। तो इस केस में उस सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड नहीं किया जाता। सस्पेंशन के पीछे एक ही मकसद होता है कि उस सरकारी कर्मचारी पर जो आरोप लगे हैं अगर वह साबित हो जाए तो उस कर्मचारी को सर्विस से रिमूव या फिर डिसमिस किया जा सकता है, इसीलिए उस सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि सस्पेंशन नॉर्मली छोटे मोटे लैप्सेज या मिसकंडक्ट के लिए नहीं होता है, बल्कि जब उस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई गंभीर आरोप होता है। तो कहना यह है कि ये सही नहीं होगा कि जब कोई सरकारी कर्मचारी अंदर सस्पेंशन है यानी कि निलंबित है तो निलंबन के दौरान इस्तीफा को स्वीकार करना सही नहीं होगा। लेकिन इसके लिए कुछ एक्सेप्शन दिया गया है कि सरकारी कर्मचारी भले ही अंदर सस्पेंशन हो, फिर भी उस सरकारी कर्मचारी का इस्तीफा स्वीकार किया जा सकता है अगर ये एक्सेप्शन होता है। तो एक्सेप्शन क्या होता है तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो फर्स्ट एक्सेप्शन है कि द एलेज्ड ऑफेंसेज डोंट इन्वॉल्व मोरल टर्पिट्यूड, यानी कि उस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो मोरल टर्पिट्यूड की कैटेगरी में नहीं आता। अब आप सोच रहे होंगे कि मोरल टर्पिट्यूड क्या है, कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी फ्रॉड करता है, चीटिंग करता है, मोलेस्टेशन करता है, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया, तो इस सब को मोरल टर्पिट्यूड कहा जाता है। अगर इस तरह के आरोप लगे हैं उस सरकारी कर्मचारी पर तो उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा सकता निलंबन के दौरान। अगर मोरल टर्पिट्यूड का केस नहीं है
तो उसको कंसीडर जरूर किया जा सकता है। दूसरा एक्सेप्शन क्या है वो भी आप समझिए। दूसरा एक्सेप्शन है कि उस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जो भी एविडेंस मौजूद है, यानी कि उस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जो भी एविडेंस मौजूद है यानी कि उपलब्ध है, तो उसके आधार पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी यह नहीं कह सकता कि उस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ चार्ज साबित हो जाएगा। और अगर चार्ज साबित भी हो जाए तो एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उस सरकारी कर्मचारी को सर्विस से रिमूव या फिर डिसमिस किया जा सकता है। अगर इस तरह का केस है, यानी कि सफिशियंट एविडेंस नहीं है, अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है कि सफिशियंट एविडेंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है उस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ, और अगर इंक्वायरी होता भी है, साबित भी हो जाता है, तो उस सरकारी कर्मचारी को रिमूवल और डिसमिसल की सज़ा नहीं दी जा सकती है। ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अगर एज्यूम नहीं कर सकता तो इस केस में भी उस सरकारी कर्मचारी का इस्तीफा स्वीकार किया जा सकता है। थर्ड एक कंडीशन है, और ये बहुत ही क्यूरियस कंडीशन है, कि अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो चल रहा है, यानी कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो उस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ चल रहा है, तो इसे कंक्लूड होने में काफ़ी वक्त लगेगा, और यह जो जितना भी टाइम लगेगा तो इससे गवर्नमेंट को ही लॉस होगा, यानी कि पब्लिक एक्सचेकर का ही लॉस होगा, यानी कि सरकारी पैसे की बर्बादी होगी, क्योंकि यह जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है ये काफ़ी लंबा खींच सकता है। तो इस केस में भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उस सरकारी कर्मचारी का इस्तीफा स्वीकार कर सकता है। तो आपने ये तीन एक्सेप्शन देख लिया कि मोरल टर्पिट्यूड का केस नहीं हो, स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं हो, और या फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी काफ़ी लंबे समय तक खींचने की संभावना हो इस केस में। लेकिन सीधे सीधे इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, इसके लिए भी कुछ कंडीशन रखा गया है। और कंडीशन ये है कि अगर वह सरकारी कर्मचारी ग्रुप सी या डी कैटेगरी के हैं, उसे डी कैटेगरी को अब हटा दिया गया है, अब सी कैटेगरी ही है, चूँकि सर्कुलर पहले का है इसलिए डी का मेंशन है। तो अगर वह सरकारी कर्मचारी ग्रुप सी कैटेगरी का है, तो उस सरकारी कर्मचारी का इस्तीफा स्वीकार करने से पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट के प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, यानी कि पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही उस सरकारी कर्मचारी का इस्तीफा स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन अगर वह सरकारी कर्मचारी ग्रुप और ए और ग्रुप बी से बिलोंग करता है, तो उस सरकारी कर्मचारी का इस्तीफा स्वीकार करने से पहले जो मिनिस्टर इंचार्ज हैं, यानी कि जो मंत्री होता है उस विभाग के, उस डिपार्टमेंट में या उस मिनिस्ट्री में, उसका प्रायर अप्रूवल यानी कि पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी कि उसके पूर्व अनुमति लेने के बाद ही ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑफिसर का इस्तीफा स्वीकार किया जा सकता है। अगर वह कर्मचारी ग्रुप बी ऑफिसर हो और फिर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पोस्टेड हो, तो इस केस में उस कर्मचारी का इस्तीफा स्वीकार करने से पहले केस को सीएजी के पास भेजा जाता है पूर्व अनुमति के लिए। एक कंडीशन और है कि मिनिस्टर इंचार्ज या फिर सीएजी के पास भेजने से पहले सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की भी सहमति लेनी पड़ती है। अगर वह केस सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के एडवाइस पर यानी कि सलाह से शुरू किया गया था, तो इस केस में सीवीसी की भी सहमति लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये है रेजिग्नेशन ड्यूरिंग सस्पेंशन से संबंधित जानकारी। और यहाँ आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर, यहाँ आप देख सकते हैं, और चाहे तो आप इस सर्कुलर को खोजकर पढ़ भी सकते हैं और पूरी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। और यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।